हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज सुबह से मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो अभी हम लोग ऑफिस में आए लंच करने के लिए। देखिए, गुंजन मेरे साथ है। लंच हमने कर लिया। हाँ। हमने अभी ये लिया है, लेज और कुरकुरे वगैरह, और हमने भी शाम को हम खाएंगे। हाँ। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। और हमने भी पार्टी भी की है, पेप्सी वगैरह हमने पिया, मजा आ गया। बहुत ज्यादा काम है। ये देखिए, प्रीतम में फोन में बिजी है और राम बाबू जी उधर जा रहे हैं आशीष के साथ। और देख, बहुत तेज धूप है आज, बहुत ज्यादा लू चल रही है। हाँ। तो गुंजन आज सुंदर भी दिख रही है। और राम बाबू क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है? धूप तेज है यार। ये इसको अंदर कीजिए थोड़ा सा। तो गाइस, अभी चलते हैं ऑफिस, सुट्टा मार लिया प्रीतम जी, फिर मिलते हैं। देखिए, प्रीतम है यहाँ पे, दारू बांट रहे हैं सबको। राम बाबू जी, तो मेरे हिस्से कहाँ है, मेरे हिस्से का बुलाइए यार। भाई ये ले तू बोतल, सीधा सीधा बोतल पकड़। हीरोगिरी बोतल पीने में नहीं, गिलास से पीने में। तो गाइस देखिए, गुंजन ने यहाँ पे दुकान खोला है और 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 यहाँ पे हम खाने पीने आए हैं। ये झूठ बोल रहा है। और आशीष बाबू खाने में कॉन्सेंट। ओ तेरी, ओ तेरी, कैसे गिर रहा है, कैसे भूकंप आ रहा है। ओ भाई, ये क्या हो गया? देखो हाई। तो क्या ये लोग पॉपकॉर्न ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं पूरा। क्या सैलरी आ गई? हाँ, 6 को आई थी। 6 को सैलरी। हाँ, तो पॉपकॉर्न पार्टी और कोक पार्टी हो रही है हमारी। तो ये देखे बच्चों को। आज बहुत दिन बाद मैंने फॉर्मल ड्रेस पहना। ये देखिए, नॉर्मली मैं जीन्स और टी शर्ट्स में ही आता हूँ ऑफिस, तो आज फॉर्मल पहन के अच्छा लग रहा शरीर पे। मुझे लगता था उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा, बढ़िया सा। तो अभी हम लोग अपने ऑफिस के बाहर आ गए हैं, लंच भी खत्म हो गया, हमने बाहर पार्टी भी कर ली। अब चलते हैं हम लोग ऑफिस के नीचे, चले चलते फटाफट। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं टाइम से घर नहीं आ पाया। और भाभी को मुझे लेके जाना भी था, क्योंकि कल भाभी का एक त्यौहार है, जो मतलब बिहार में, भाभी बिहार में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है ये त्यौहार। गाइज, वट सावित्री नाम का ये त्यौहार है जो बिहार में ज़्यादातर फेमस है। तो भाभी भी हमारी वट सावित्री करती हैं। तो ऑफिस से आने के बाद थोड़ा लेट हुआ, तो मुझे बहुत सुनना पड़ा भाभी से आज, क्योंकि भाभी को लेके मुझे जाना था, थोड़ी शॉपिंग भी करानी थी और मेहंदी वगैरह लगवाना था भाभी को। तो गाइज, जो प्रायोरिटी बेस पे जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं लेट आया हूँ जो भी। तो मैं जस्ट अभी आया हूँ, देखो मैं कपड़ा भी मैंने उतारा नहीं है, लेकिन मुझे यही पहन के अब जाना पड़ेगा भाभी को मेहंदी लगवाने के लिए। और ये देखिए, भाभी भी बिल्कुल तैयार है। आज मैं जस्ट घर में घुसा हूँ और भाभी बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। तो चलिए फटाफट से पहले मेहंदी लगवाते हैं। और ये देखिए, भैया यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो गाइज, भैया के पास भी लॉट्स ऑफ वर्क है, तो इसलिए भैया को अभी नहीं ले आ सकते हम लोग नीचे। तो बस मैं और भाभी चलेंगे भाभी को मेहंदी लगाने के लिए। तो आदित्य मॉल के बाहर लगाते हैं मेहंदी, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा मेहंदी वाले भैया हैं, वो बहुत अच्छा मेहंदी लगाते हैं। तो भाभी को उनके हाथ का मेहंदी बहुत अच्छा लगता है, तो चलते हैं पहले वहाँ मेहंदी लगवाते हैं भाभी का। अब आगे आती हूँ आदित्य मॉल के पास, और सामने मेहंदी वाले भैया दिखाता हूँ। बहुत भीड़ है मेहंदी वाले भैया की दुकान पे। गाइस, मेहंदी वाले भैया दुकान पे कितना भीड़ है, हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा क्या भाभी? तो चलिए बात करें, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग वेट कर रहे हैं मेहंदी वाले का, तो कैसे लड़ रहे दोनों बच्चे हैं, पूरा टीम बना के लड़ रहे हैं लोग। मस्ती कर रहा है ना। बंद ही होने वाला था। बंद होने वाला था। आपको कितना टाइम लगेगा? तो कैसे लड़ रहे हो? बच्चे बहुत तगड़ा झगड़ रहे थे, फिर मैंने उन लोगों को छुड़ाया अभी, वरना वो बहुत लड़ रहे थे वो लोग। और अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं गाइस, अभी 20 मिनट करीब हो गए, हम लोग का नंबर आने ही वाला है, बस एक बचा हुआ है बस आदमी, क्योंकि भाभी लाइन में खड़ी है। तो जैसे ही लगना स्टार्ट होगा मैं आपको दिखाऊंगा भाभी का, जब मेहंदी लगना शुरू होगा। चलिए, हमारा इंतजार खत्म हो गया और भाभी को मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया, आधा घंटा वेट करने के बाद। तो ये देखिए, जैसे स्टार्ट हुआ भाभी का मेहंदी लगना। भाभी अभी को मेहंदी लगना वहाँ हो गया स्टार्ट, और तो मैं खड़ा खड़ा बोर हो रहा था, तो मैं आ गया हूँ यहाँ। देखिए भैया के पास, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, तो मैं आ गया हूँ एक बड़ा पाव खाने के लिए। और गाइस, संयुक्त से हवा भी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ऑफिस वाले कपड़े में ही आ गया हूँ, तो कोई नहीं गाइस, अभी बड़ा पाव बनता है फिर खाएंगे, फिर उसके बाद भाभी के पास जाएंगे। भाभी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बड़ा पाव खा रहा हूँ, तो चलिए पहले बड़ा पाव खाते हैं। देखिए, मेरा बड़ा पाव आ गया है, और ये मस्त गरम गरम सा पाव है, मतलब बड़ा है इसके अंदर, ये देखिए। तो चलिए उसको फटाफट से खाते हैं। बड़ा पाव खा लिया मैंने, और अब चलते हैं भाभी के पास, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। देखते हैं कितना मेहंदी लगाया भाभी को अभी। ये देखिए, भाभी के एक हाथ में मेहंदी लग गया है और दूसरे में लगना स्टार्ट है अभी। कैसा है भाभी?
भाभी पूरा खुश नजर आ रहे गाइस। भाभी का मेहंदी लगने के बाद हम लोग के यहाँ पे कल पूजा है, इसलिए कुछ कुछ सामान लेना है पूजा का, क्योंकि दुकान बस इनका बंद ही होने वाला था, तो अभी हम लोग ले लिया है सामान। तो पूजा भंडार से हम लोग पूजा का सामान लेके आ गए हैं, मतलब आ गए क्या, रास्ते में जा रहे हैं घर अब। और ये देखिए सब पूजा का सारा सामान है, और भाभी का मेहंदी भी मस्त फर्स्ट क्लास सा लग गया, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंधेरा है, तो आपको मेहंदी भाभी का घर चल के दिखाएंगे कि कैसा मस्त सा लगाए भैया ने मेहंदी। प्राइस भी जेन्यून था गाइस, तो कोई नहीं, चलिए पहले घर चलते हैं फिर मेहंदी दिखाते हैं आपको। भाभी का देखिए चेहरा भी नहीं दिख रहा अंधेरे में, तो मेहंदी का हाथ दिखेगा है भाभी। हम लोग आ गए हैं अब घर, और अब मैं आपको दिखाऊंगा भाभी का मेहंदी, क्या मस्त सा मेहंदी लगाया गाइस। तो अच्छा पैर में लगाया, तो मैं सारा पैर का हाथ का दोनों दिखाता हूँ आपको, ठीक है। गाइस ये देखिए भाभी का मेहंदी, यहाँ भाभी ने भैया का नाम लिखवाया है, और ये क्या मस्त सा मेहंदी लगाया भैया ने, मतलब मेहंदी वाले भैया ने। मोर, यहाँ मोर का मुंह बना हुआ है इधर भी, और मस्त बैग, इसका बैग देखिए। ओ भाई साहब क्या, इधर खाली खाली क्यों है भाभी, पीछे बैली होता है, अच्छा डिज़ाइन होता है इसी का। तो भाभी पूरा खुश नजर आ रहे हैं, देखिए क्या बात है, हंसी नहीं छूट रहा। और ये पैर का दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, अच्छा ये निशी ने लगाया गाइस, ये देखिए निशी बहुत अच्छा लगाती है ना भाभी, अच्छा लगाती है, बस थोड़ा धीरे लगाती है। मेहंदी तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा है, और अब हम कल आपके साथ चलेंगे पूजा करने, हम भी आप चले जाइए, ठीक है। गाइस ऑफिस से आने के बाद भाभी के मेहंदी लगवाने में बहुत टाइम लग गया, वहाँ पहले हम लोग को वेट करना पड़ा आधा घंटा, फिर भाभी को लगाने में वहाँ पे मतलब 10-15 मिनट लग गया। और तो आते आते हमारे घर मतलब गाइज 11 बज गए हैं रात के, और देखिए गाइज मैं अभी भी ऑफिस वाले कपड़े में हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं, पहले कपड़े चेंज करूँगा, फिर पैर हाथ धोऊँगा, और फिर हम लोग चलेंगे खाना खाने के लिए। रात का डिनर भाभी ने क्या बनाया है पता नहीं गाइज, और बहुत तेज़ भूख भी लग रही मुझे गाइज, दोपहर को खाना खाया था मैंने, शाम को कुछ स्नैक्स भी नहीं किया था, लेकिन बाहर मैंने एक वड़ा पाव खाया, थोड़ा सा पेट में मतलब ठीक लग रहा है, चूहे कूदने बंद हुए हैं। तो अब चलिए चलते हैं, पहले पैर हाथ धोते हैं फिर मिलते हैं आपसे। वॉशरूम से मैं पैर हाथ धो के आ गया हूँ, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो कपड़े चेंज करने के बाद मैं बाहर, अब डिनर की तैयारी कर रहे थे, भाभी ने खाना पीना सब कुछ बना दिया था, लेकिन मैं सैलेड काट रहा था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सैलेड कैसा काटा है। ये देखिए मैंने सलाद काटा है, इसमें है टमाटर, उसके बाद खीरा, मिर्च, मूली, नींबू सारा कुछ डाला, और ये हमारा रात का डिनर भी आ गया है। ये देखिए दाल चावल, और यहाँ पे ऐसे बोकारो में इसको निनुआ बोलते हैं, दिल्ली में इसको बोलते हैं तोरी, और हमारे बिहार में इसको बोलते हैं घिउरा की सब्जी बनी है। तो चलिए फटाफट से खाते हैं, और देखिए भाभी मेहंदी लाया कैसे खा रही है, हाथ में कपड़े बांध के कि मतलब खाना में ना गिरे मेहंदी। तो ये भी टेक्निक है गाइस, देखिए खाना खाने का। वाह भाभी ये टेक्निक कहाँ से लाएँ वैसे आप खाना खाने का, इन्वेंट कर दिया आप, चलिए कोई नहीं। तो गाइस क्या बोले, सूख गया ना तो झाड़ के गिर रहा है। ये देखिए ये भैया का खाना है, ये मेरा है, और भाभी कटोरे में खा रही हैं, और हम लोग तीनों का सैलेड वैसे खिला देते हैं, लेकिन अभी फिर आएंगे तो बहुत लेट होगा, ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है। अच्छा मतलब तो चलिए अब हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि रात भी काफी हो गया है। तो देखिए भैया वहाँ पे और भी सैलेड काट रहे हैं, मूली छील रहे हैं, मूलियाँ बहुत है। तो चलिए खाना खाते हैं फटाफट से गाइज। हम लोगों ने कर लिया है डिनर कंप्लीट, और गाइज रात भी काफ़ी हो गया है, रात के बज गए हैं 12, और सुबह हम लोग कल जल्दी उठना है, क्योंकि कल भाभी का पूजा है, तो मुझे सुबह उठ के बहुत सारी चीज़ें कल लानी है, जैसे फूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुबह लानी, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठने के लिए गाइज थोड़ा जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, गुड नाइट गाइज़।